हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, तो ऑलरेडी आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा। सो आज जो बताने वाले वो पीएफ के बारे में कुछ बात जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ कि मेरा जो पीएफ है कितना दिन लगा है और मैंने कैसा प्रोसेस को स्टेप बाई स्टेप करके फॉलो किया था, तो वो सब बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो मेन टॉपिक हमारा ये था आज के, कितना दिन लगा मुझे पीएफ का पैसा जो आने में। तो लगभग मुझे जो लगा है 3 दिन में ही आ गया मेरा, जब मैंने क्लेम किया था। तो क्लेम करने के बाद 3 दिन बाद है मुझे मिला है पेमेंट। और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत दिन की पहले ही बना देना चाहिए था मुझे, ऐसा कुछ लगता था, लेकिन बट मैंने बनाया नहीं। बहुत दिन हो गया, अभी कम से कम 1 महीने भी क्रॉस हो गया ऐसा कुछ लगता है मुझे। मुझे याद भी नहीं अभी कि कितना टाइम दिन पहले मुझे कितना तारीख को आया था मेरा पेमेंट, वो मुझे याद नहीं। बट बताने वाला हूँ मैं, और अपना जो क्लेम का जो मैसेज है वो भी प्रूफ दिखाने वाला है कि कितना दिन लगा है उसमें। और अगर आप लोग पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले जो है पीएफ अकाउंट नंबर एक्टिवेट करना पड़ता है, वो आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद आप लोग का जो बैंक का पासबुक जो है अकाउंट, तो उसको भी आप लोगों को केवाईसी वेरीफाई करना पड़ता है। वो अप्रूव होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट तभी आप लोगों को क्या मिलता है, क्लेम का जो ऑप्शन है वो मिलता है। पहले तो क्या था, जो मार्क ऑफ एग्जिट था, जो आपने जॉब छोड़ा है उसका डेट ऑफ एग्जिट अपने खुद के हाथ से हम लोग नहीं कर पाता था। वो जो जिसके अंदर हम लोग काम करते तो वो लोग ही कर पाता था, लेकिन इस बार जो है अपने खुद का जो अकाउंट का मार्क ऑफ एग्जिट है उसका ऑप्शन दे दिया है पीएफ वालों ने। तो इसके लिए मेरा जो पीएफ का अकाउंट का पैसा है वो मैं क्लेम कर पाया है। नहीं तो मेरा तो 1 साल क्रॉस भी हो चुका था, फिर भी मैंने कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि मैं गोवा ऑफिस का था, मेरा गोवा ऑफिस का ही, और मेरा जो घर है मेघालय में है, तो बहुत दूर रहता है। तो जाके ऑफिशियली जाके कुछ बात करना, ऑफिस में फॉर्म फिल करना, तो बहुत परेशान होता था मुझे। लेकिन इस साल बहुत लकी था, इसलिए मार्क ऑफ एग्जिट जो है उसका ऑप्शन कर दिया गया है, तो इसकी वजह से मेरा जो है पीएफ मैं क्लेम कर पाया हूँ। और आप लोगों को भी बताना चाहते हो कि जो लोग अगर गोवा का ऑफिस का है तो उनका बहुत अच्छा है, वो लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं और 3 दिन में ही मेरा जो है क्लेम अकाउंट बैंक अकाउंट में मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। तो आप लोग भी अगर कोई गोवा ऑफिस का है तो बहुत अच्छा है, जल्दी से कर लीजिए, बहुत ट्रैफिक काम है उधर। 3 दिन में ही हो गया था मेरा, पता नहीं आप लोगों को कितना दिन लगेगा और ये सब मुझे पता नहीं, बट मेरा जो है 3 दिन में आ गया था। और ये मेरा आके पेमेंट आके कम से कम लगभग 2-3-4 हफ्ते ऐसा कुछ हो गया है, बट मैं वीडियो नहीं बनाया था और अभी इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप लोग अगर कोई भी पीएफ मेंबर है तो उनको थोड़ा कुछ जानकारी मिल जाए, तो इसकी ये बात सोच के ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि गोवा ऑफिस का है जो वो बहुत अच्छा है, अभी ठीक चल रहा है, तो आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग क्लेम करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिए, बहुत अच्छा है। ऑफिस में बहुत कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन कर सकते हैं। और मार्क ऑफ एग्जिट तो आप लोगों को पता होगा कि अभी ऑप्शन दे दिए गए हैं, पहले तो नहीं था। सो छोटा सा जानकारी था, और मैं अभी दिखाने वाला हूँ मेरा जो मैसेज है वो बैंक अकाउंट में कितना रुपया आया है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे, तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मेरा अमाउंट जो है, और ये है मेरा पीएफ का है और ये मेरा पेंशन का है दोस्तों, क्लेम नंबर 19 और क्लेम नंबर 10 का है, और ये जो है मेरा 10 का है दोस्तों और ये है 19 का है। तो आप लोग टोटली मेरा अमाउंट भी देख सकते हैं इधर यहाँ पे, और यहाँ पे पेंशन का भी अमाउंट देख सकते हैं आप। और उसके बाद मेरा अकाउंट नंबर जो मैंने ब्लर कर दिया, इसलिए कि वो सिक्योरिटी रीजन के कारण मैंने ब्लर करके रखा हूँ, तो ये सब तो आप लोग को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। सो दोस्तों जानकारी कैसा था तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा तो लाइक
कर लाइक भी कर देना, और कैसा लगा तो कमेंट करके एक प्लीज बता देना। तो मिलते हैं हम लोग और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।